हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी के लिए। वेदर आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अपने फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं बेली एंड लव से डायरेक्टली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको हाईलाइट करके बताऊँगी और उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो आप इसको नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि बेली एंड लव में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखा है एंड हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक लाइन के थ्रू हम लोग गो थ्रू करें और एक और उसको पढ़े। तो मैंने क्या किया है, आपका काम आसान करने के लिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दिया है और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। एंड सिंस मेरा न्यू चैनल है तो मैं छोटे वीडियोस लेके आ रही हूँ, सो डैट आपका जो फीडबैक रहेगा उस पर मैं डिसाइड कर पाऊँ कि और लंबे वीडियोज़ मुझे लाने चाहिए या नहीं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे वीडियोस लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बेसिकली आई डोंट लाइक ओवरलोडिंग पीपल विद इंफॉर्मेशन। मुझे भी छोटी छोटी करके अगर बातें समझाओ तो समझ में आती है। मुझे भी लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा करके बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा। सो बेसिकली देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग वुंड। It implies that a physical force exerted on a person has led to a physical injury. तो basically क्या होता है, एक force है और injury है। मैंने suppose एक accident हुआ तो वो force है, मतलब वो vehicle से जो वो force हुआ collision, and जो आपको जो injury हुई इसकी, यानी कि जो wounds आपके या फिर जो चोट आपको लगी, ठीक है। अब सबसे important चीज़ है management of trauma में timeline का क्या importance है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन द आउटकम, मतलब कि हम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स, सपोज आरटीए का कोई पेशेंट आया, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है हम उसे बचा सकते हैं या नहीं, या कितनी जल्दी बचा सकते हैं, कि हम कितनी जल्दी उसकी सिचुएशन को असेस करके रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। इन द सेकेंड्स प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंजरी फोर्स और वेक्टर द पेशेंट इज़ एट द नॉर्मल बेसलाइन विच कैन बी कॉल टाइम ज़ीरो। यानी कि टाइम ज़ीरो हम लोग तब ले रहे हैं जब पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है। ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग द एक्यूट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंजरी द बॉडीज इंटरनल मैकेनिज्म्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। वाई डज द बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस? टू कंपेंसेट फॉर द सीक्वली ऑफ ट्रॉमा। द हीलिंग प्रोसेसेस एंड द एक्शंस इंस्टिगेटेड बाई हेल्थ प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद द टाइमलाइन। मतलब अगर बॉडी को कोई डैमेज होगा तो बॉडी भी तो उसको बचाने की, खुद को बचाने की कोशिश करेगा ना। तो वो सारा जो इवेंट्स होता है बॉडी में, और हम लोग एज डॉक्टर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरा जो इवेंट्स टेक प्लेस करता है वो एक टाइमलाइन के अंदर होता है। वो पूरा का पूरा टाइमलाइन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बीइंग फेमिलियर विद द टाइमलाइन प्रिंसिपल, One should be aware that there is a critical time window in which we can intervene for a positive treatment outcome before the loss of compensatory mechanisms. यानी कि बॉडी का भी तो एक लिमिट होता है जब वो गिव अप कर देगा, एंड देन वॉट हैपन्स, द पेशेंट डाइज। तो हमें क्या करना है कि वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म लूज होने के पहले ही वी हैव टू इंटरवीन, ओके। अभी इंटरवेंशंस किस तरह के हो सकती हैं। ओवरऑल interventions can be distinguished as emergency, life saving. यानी कि suppose you get a case of tension pneumothorax, तो आप ये wait तो नहीं करोगे कि कुछ देर रहने देते हैं फिर हम देखते हैं क्या होता है। हम लोग immediate उसका needle decompression करेंगे, ठीक है। फिर acute, restoring hemodynamic stability. यानी कि suppose आपके पास एक patient आता है जिसका accident हुआ है या कुछ हुआ है, एंड उसकी वजह से उसका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया, उसका पल्स बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड हो गया, तो आप क्या करोगे, आप सोचने में तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप इमीडिएटली उसका आईवी फ्लूइड स्टार्ट करोगे। अगर उसे ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन चाहिए, तो हम ब्लड भी स्टार्ट करेंगे। और ये किस लिए हम करते हैं, हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। एंड डिलेड और सेमी इलेक्टिव, फोकसिंग ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट फ्रैक्चर फिक्सेशन कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि सपोज आपके पास एक फ्रैक्चर केस आता है, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट में उस बंदे का फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम फ्रैक्चर को फिक्स करोगे। उस टाइम आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अगर मेरे फ्रैक्चर फिक्स करने से अगर इसे इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या मैनेज करना, मैं अभी मैनेजमेंट कर देता हूँ,
नॉन यूनियन का क्या मैनेजमेंट करना है, या मैल यूनियन अगर हुआ तो मैं क्या मैनेजमेंट करूँगा, उस टाइम जो फोकस है आप उस फ्रैक्चर को कैसे फिक्स करो, ठीक है। तो हमारे हमने सुना है अबाउट ABCD प्रोटोकॉल, वो क्या होता है, वो ATLS सिस्टम के अंदर आता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर आपके क्वेश्चन में मेंशनड है कि पेशेंट सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के साथ आया है, तो बिफोर डूइंग द एयरवे यू विल फिक्स द सर्वाइकल स्पाइन, यानी कि आप उसको स्टेबलाइज करोगे, ठीक है। विल स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज ऑलवेज डन बिफोर द एयरवे। तब आपका एयरवे आंसर नहीं होगा, तब आपका फिक्सेशन ऑफ या मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन होगा, बिकॉज उस केस में यू कांट मूव द पेशेंट, ठीक है। दिस हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन द टाइम डिपेंडेंस प्रिंसिपल। द क्लिनिशियन शुड बेयर इन माइंड दैट अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्लान इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट द टाइम नीडेड टू एवेल्युएट एंड डायग्नोज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड द टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द कंडीशन डिस्कवर्ड। यानी कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टाइमलाइन में क्या आता है, आपको कितना टाइम लग रहा है वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में, और आपको कितना टाइम लग रहा है उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने को पेशेंट। तो ये वाला देखिए, ये देखिए, ये पेशेंट आया आपके पास और इसके डेथ तक का एक लंबा टाइम इंटरवल है, इसमें क्या आता है, असेसमेंट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये दोनों टाइम जितना कम आप लेंगे उतनी जल्दी आप पेशेंट को बचा सकते हैं। अब मैं आपको एक क्लिनिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज अ पेशेंट प्रेजेंटिंग फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद अ स्कैल्प लैसरेशन एंड अ रिड्यूस्ड ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर ऑफ 13/15 रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सिनेरियो where a drop in the GCS could be related to a head injury or to the presence of shock and hypoxia। यानी कि आपके पास एक पेशेंट आता है, RTA का पेशेंट है, उसका GCS स्कोर जो है वो 13/15 है, उसको एक स्कैल्प लैसरेशन हुआ है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा ये या तो हेड इंजरी की वजह से हुआ होगा, या तो ये शॉक में होगा और ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिल रहा होगा। तो बेसिकली अगर समझिए कि वहाँ पे एक हेमाटोमा हुआ हुआ है और अभी तक उसका क्लिनिकल साइन मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या हम उस हेमाटोमा को क्लिनिकल साइन आने से पहले डायग्नोज कर सकते हैं? ऑफकोर्स सिटी स्कैन से। तो क्या होगा कि जब क्लिनिकल साइंस जब तक आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले ही अगर उसे डायग्नोज कर सकते हैं तो हम कितना टाइम बचा लेंगे और हम उस टाइम इंटरवीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इंजरी टू द ब्रेन कैन डिटेरियोरेट विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपैंडिंग हेमाटोमा विच कैन बी डायग्नोस्ड विद अ हेड सिटी प्रायर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल साइंस। सर्जिकल डिकम्प्रेशन कैन बी ऑर्गेनाइज स्पीडली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी इन दिस सिचुएशन इफ द टाइम टेकन टू मेक द डायग्नोसिस वॉज प्रोलॉन्ग्ड एंड द क्लिनिकल साइंस हैड प्रेजेंटेड प्रायर टू ट्रीटमेंट इंटरवेंशन इट मे बी टू लेट टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ द पेशेंट। अब हम आते हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टाइम्स फॉर एक्सट्राड्यूरल हेमाटोमा। तो ए जो है इसके ऊपर रेड मार्क आ गया है, अच्छा ये ए है, तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ असेसमेंट है, यानी कि पहले हमें फ्रैक्चर दिखेगा एक्सट्राड्यूरल हेमाटोमा में, फिर हमें इमेजिंग में हेमाटोमा दिखेगा, उसके बाद क्लिनिकल साइंस डेवलप करेगा, फिर वो क्लिनिकली ऑब्वियस हो जाएगा, तो हम जितना जल्दी इंटरवीन कर पाएँ उतना अच्छा। अब भी जो है वो कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम है, उसमें आप रेफर हो सकता है, मतलब आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, आपने कहीं और रेफर कर दिया, ट्रांसफर टू अ हायर हॉस्पिटल और समथिंग, एनेस्थेटाइज एंड डीकम्प्रेस आप करनी है, सारी ही आपका रिस्पॉन्स के अंदर आता है, एंड ये पूरा आपका ओवरऑल एक टाइमलाइन बताता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम हमने क्या सीखा, दैट द टाइमलाइन कॉन्सेप्ट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रॉमा मैनेजमेंट। Assessment should be completed within a set time. The time to respond is limited. Both assessment and response should take place in the time window prior to irreversible damage or death. तो थैंक यू गाइज, ये मेरा आज का वीडियो था, एंड अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, तो मुझे इंकरेज करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके रिस्पॉन्स भी सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।